हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ एक बहुत बड़ी जॉब रिगार्डिंग नोटिफिकेशन। जिस बार आया है इंडियन पोस्ट की तरफ से, इंडियन पोस्ट की तरफ से ग्रुप सी के रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड जो मैंडेटोरी दिया गया है वो है 10th पास। तो इंडियन पोस्ट की तरफ से ग्रुप सी के 10th पास कैंडिडेट को हायरिंग किया जा रहा है। आज की इस वीडियो के अंदर उसी के बारे में बात करने वाला हूँ, तो देखते रहेगा पूरा वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म के लिंक दिया जाएगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आप लोग जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो एक बहुत बड़ी जॉब अपडेट दिया गया है। अगर आप कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो तो किस तरह से एप्लीकेशन करना है, आज की इस वीडियो के अंदर उसी के बारे में पूरी जानकारी जो है देने वाला हूँ। इंडियन पोस्ट जैसी एक बहुत बड़ी विभाग के अंदर जो है इस बार रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। कौन सी सर्कल में रिक्रूटमेंट किया उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड ऑब्वियसली जो फॉर्म फिलअप के पूरा डिटेल्स है, जैसे कि यहाँ पे ऑफलाइन के ऊपर फॉर्म फिलअप होने वाला है, तो उसी ऑफलाइन के जो फॉर्म फिलअप है मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की नोटिफिकेशन। दोस्तों जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, इसी के ऊपर जो है वैकेंसी निकल के आया है। जिसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली आप लोगों को पता चलेगा कि जो पोस्ट है यहाँ पे, पोस्ट का नाम है स्टाफ कार ड्राइवर। स्टाफ कार ड्राइवर के ऊपर पोस्ट के रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। एंड इसी स्टाफ कार ड्राइवर के ग्रुप सी के 19 वैकेंसी निकल के आया है, जिसके अंदर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 7 वैकेंसीज है। अगर बात करें ईडब्ल्यू उनके लिए 2 वैकेंसी, एससी के लिए 4 एंड एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 5 वैकेंसीज है। और यहाँ पे अगर बात करें नीचे तो यहाँ पे जो सैलरी है 19,900 तक सैलरी आपको दिया जाएगा। और एप्लीकेशन 26th of September 2022 तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के लिए अभी आप लोगों को बताऊंगा एज क्राइटेरिया। बेसिकली जो एज क्राइटेरिया यहाँ पे निकल के आया है उनके लिए 5 ईयर्स फॉर SC ST एज रिडक्शन, 3 ईयर्स फॉर OBC कैंडिडेट आपको यहाँ पे मिलेगा फॉर एज रिडक्शन। अगर बात करें एडुकेशन क्वालिफिकेशन, तो डेफिनेटली यहाँ पे वैलिड एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हेवी एंड लाइट मोटर व्हीकल के ऊपर। मोटर मैकेनिक कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत आपका नॉलेज होना चाहिए ड्राइविंग लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल्स के ऊपर। मिनिमम 3 ईयर्स की एक्सपीरियंस चाहिए एंड 10th पास होना चाहिए। अगर आप होमगार्ड और सिविल वॉलेंटियर के काम कर चुके तो आपके लिए भी यहाँ पे एक अलग से जो है आपको एडवांटेज मिल सकता है। अभी आप लोग बताऊँगा सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली देयर इज़ नो रिटन एग्ज़ाम, मतलब कोई भी रिटन एग्ज़ाम कुछ भी नहीं होने वाला है। डायरेक्ट आपको ड्राइविंग टेस्ट और स्किल के ऊपर बेस करके आपको सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन ऑफ ड्राइविंग शैल बी मेड ऑन बेसिस ऑफ ड्राइविंग टेस्ट के ऊपर। अभी बात करने वाला हूँ क्या क्या फॉर्म आपको मिलेगा। तो फर्स्ट जो फॉर्म यहाँ पे आपको दिया जाएगा, आपको देना होगा सेल्फ अटेस्टेड करके, वो है एज प्रूफ सर्टिफिकेट। सेकेंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। थर्ड ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट। फोर्थ OBC सर्टिफिकेट। फिफ्थ टेक्निकल सर्टिफिकेट। सिक्स एड्रेस प्रूफ। सेवन फोटो ID प्रूफ। 8 फॉर्म ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ अदर रिकॉर्ड क्लास और OBC। ये सारे जो है आपको यहाँ पे चाहिए। सब कुछ जो है यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करके आपको फॉर्म के साथ भेजना होगा। तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस और चार्जेस नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। फर्स्ट आपका फ़ोटो यहाँ पे देना होगा। देन आपका जो फर्स्ट एक नंबर पे दिया गया है वो है आपका नाम। सेकेंड नंबर पे आपका फादर नेम। थर्ड नंबर पे आपका परमानेंट एड्रेस। फोर्थ नंबर पे कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, अगर सेम है तो सेम लिख सकते हो। ईमेल आईडी आपको देना होगा, सिटीजनशिप और नेशनलिटी। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपको देना होगा। एज क्या है आपको देना होगा।
आपका कैटेगरी और रिजर्वेशन कैटेगरी जैसे कि अनरिजर्व एससी एसटी ओबीसी उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। एक सर्विस मैन है कि आपको देना होगा। 10th पास के क्या स्कूल था, आप कौन सी ईयर में क्वालिफाई कर चुके थे, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सपीरियंस, सब कुछ आपको यहाँ पे देना होगा। होमगार्ड सर्विस अगर है तो आपको यहाँ पे सब कुछ दे सकते हो। सब फॉर्म फिलअप करके आपको इसी एड्रेस में भेजना होगा जो कि है टू द मैनेजर मेल मोटर सर्विस बेंगलुरु 56001 फ्रॉम आपका एड्रेस एंड आपका नाम। देखिए आपको 26th of September 2022 पहले ही आपको यहाँ पे भेजना होगा। तो यही था आज की वीडियो। अगर पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को फॉर मोर जॉब अपडेट प्लीज़ विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.studywithsobhik.com।